राम राम जी। आप सब कैसे हो? ठीक हो? जय माता रानी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं चौरा माता के मंदिर से। ये देखिए बहुत बड़ा सा पेड़ है, ये है बहुत पहले का पेड़। जय माता रानी, भगवान आप सबका भला करे। ये है मंदिर, चलते हैं घर। पूजा हो गया सुबह सुबह, अच्छा लगा करके पूजा। आज आ गए घर और गए थे पूजा करने ना, तो सब्जी सब्जी छोक के गए थे, तो सब्जी फिलहाल हो गया। आज बना है सब्जी सहजन का। वैसे पूजा करने गए थे पता है, और व्रत तो रहते हैं, मतलब व्रत नहीं रहते हैं, बस पूजा करने गए थे हम लोग। व्रत रह नहीं पाते ना, भूख लग जाता है हमको। कल सब्जी हमारी हो चुकी है, अच्छे खाते हैं खाना, चावल एंड सजेशन का सब्जी, जो कि मेरा बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सब्जी। आप सब भी खाना खा लो। फिलहाल खाना पीना हो गया मस्त, और मम्मी मैं सुना रही है चार बात, क्योंकि हमसे बहुत सारी गलती होती है, भगवान जाने दिन भर में कितना हम सुनते हैं। सबसे ज़्यादा घर में हम ही सुनते हैं, ना भाई सुनता है, ना सैनी, ना पापा, सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं। सुबह उठेंगे मम्मी एक गलती, कम से कम 10 मिनट चालू रहेगा, फिर हो गया, फिर गलती, फिर 10 मिनट चालू, सबसे ज़्यादा सुनते हैं हम। सोच लीजिए कितना हम घर से भरे कहाँ जाए। पैसा निकाल ले, क्योंकि घर में सारा खासा सामान खत्म हो चुका है, बस तेल दाल है, बाकी सब खत्म हो चुका है। अगर घर में सामान नहीं रहता तो फिर मम्मी और चिल्लाती है, बोलती है लाने के लिए, पापा बोलते थे धंधा हुआ ही नहीं हमारा, मतलब माल मिला ही नहीं, तो पापा नहीं लेके आते, तो मम्मी चिल्लाती है कब नहीं। जो मम्मी होंगी और जो घर में होंगे उनको उनको पता होगा कि इस थोड़ी सी बात को लेकर कितना टाइम तक मम्मी चलाती हैं ये सब। इसलिए चल रहे हैं, पैसे निकालेंगे और निकाल के लगभग 1000 का सामान पूरा लेके आएंगे, पूरा टोटल लेके आएंगे, ताकि मम्मी चिल्लाए ना भैया। अरे लेट हो तो मैं बात तो बोलेंगे, जिनको रोज़ डेली सुबह शाम परफेक्ट खाना मिलता है, मतलब पूरा पूरा खाना मिलता है ना, वो बहुत लकी इंसान है। और जो घर का जिम्मेदारी संभाल ले, मतलब पूरा एकदम अच्छे से ना, वो सबसे महान इंसान है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी वो करना बहुत बड़ी बात होती है, सच्ची बता रहे हैं, सच्ची। जैसे कि पापा लोग को पता होगा कि कैसे कैसे वो उठाते हैं, बाकी पापा मम्मी को पता होगा, बाकी उतना सबको नहीं, बट पापा मम्मी को बहुत अच्छे से पता होगा कि हर एक चीज़ खरीद खरीद के लेके आना ना, ये बहुत वो होती है, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें तो कुछ मतलब होता ही नहीं है, बस मिला खा लिया, हाँ अच्छा ठीक हो, नमक कम रहा लाइन निकल, ऐसे ऐसे बोल कर निकल जाते हैं। और जो लिख के लेके आते हैं ना, जुटाते हैं ना, उनको पता होगा। और जिस दिन हम सब पे पड़ेगा ना, उस दिन याद आएगा भैया कि बना बनाया थाली मिलता था, खा लेते थे, अब थाली जुटाने में कितना मेहनत लगता है, तब पता चलेगा। ये बात तो हम अच्छे से जान चुके हैं, एकदम अच्छे से। चल बहुत बात कर लिया, अब चलते हैं फटाफट लेके आते हैं पैसे, उधर से सामान वामान सब सब कुछ लेके आएंगे अच्छे से। ये ले लिया मैंने अपना खाता भैया, कमाते खाते हैं ना, उनके लिए कभी दाल रोटी मिलता है, कभी सब्जी नहीं, कभी सब्जी मिलता है तो दाल रही। अगर 1 किलो आप दाल लेके आते हो ना, तो आपका अगर 100-100 ग्राम आप डालते हो, 100-100 ग्राम तो 10 दिन चलेगा, अगर 150 ग्राम तो 200 ग्राम तो वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे चलेगा। और कितने किलो है, हमें कितने किलो देता ना, 150 रुपये किलो मान के चलो, सोच लो आप, दाल जो हम कहते हैं अच्छा नहीं है, मन नहीं करता, वो इतना महंगा है। झोला मम्मी को नहीं चिल्लाएंगे भैया, और कल का मच्छरदानी मम्मी बनाई अपने साड़ी का, इतना सारा कपड़ा है, ये मरदम जाती ना, बस ये लास्ट काम आओ, कोई काम नहीं है मम्मी सच्ची में। जितनी भोली दिखती है ना, उतनी चिल्लाती है, भाई साहब बहुत चिल्लाती है, मशीन चला। अच्छा हमारे पर कहीं चिल्ला लो,
टोटल पैसे निकाल दिए इतने सारे, और सारे के सारे खर्चे हो जाएंगे आज। सौ दो सौ आगे दुकान हम लेते हैं सामान, चना इतना सारा सामान ले लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट गुड़ भैया गर्मी में पानी पीने के लिए चाहिए, नहीं बोलिए बिस्किट जस्ट फोन करा था मैंने अभी, दो ठे लिया दो ठे। ये देखिए साइकिल हो गए फुल, लाई से फुल हो गया एकदम। अब चलते हैं घर, सारा सामान ले लिया मैंने। सीधे पहुंच के मिलते क्योंकि ना हैंडल में भारी हो गया, तो सीधे पहुंच के मिलते हैं घर। आ गए घर, हम ना चले गए ना एक महीना तक। खाना देखिए ऐसे खाना खा लिया टोस्ट लेके आया मम्मी बिना, कहा कि मम्मी घर में बैठती रहती, हम लोग कहीं निकल जाते तो मम्मी को ठीक है कुछ खाने के लिए, इसलिए अब देख लो चेहरे की स्माइल, अब चेहरे की स्माइल देख लो, साफ साफ दिख रहा है ना। खैया ना पहले नाम लगा दे मेरा, गंदी बात मम्मी गंदी बात, गंदी गंदी बात ठीक है। कभी कभी सब्जी बनाने के लिए, अब एक महीना की छुट्टी हो गई, हमें चले गए थे दवाई लाने के लिए डैडी को सरकारी हॉस्पिटल में से, क्योंकि डैडी को लग गया चोट, कैसे मम्मी बता दिन था सर्जन तोड़ने गए थे लग्गी से, और लग्गी से पूरा चिचिर आ गया सीने में, इसलिए नंगे सोए हैं, और ये दवाई लेके आए इतना सरम मलम मलम उधर से चले, इसलिए लेट हो गया। टाइम 9:30 के निकले थे, 12:30 हो गया, इतना टाइम नहीं हसी ने देखिए ना के उठी जस्ट। इतना सारा चना क्यों लिया है, क्योंकि ना ये और सिनी इनका मस्त सुबह उठते हैं और फोन आता है फिर निकल लेते हैं, ऐसे चना थोड़ा सा मतलब भिगो देंगे उसके बाद सुबह मस्त खा के निकल जाएंगे, सही रही ना। ये स्पेशली भाई के लिए और सिनी के लिए और डैडी के लिए, डैडी आते हैं। और प्लस सिनी का कोचिंग चेंज हो गया, जब तब जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे नहीं, अब कहीं और जाती है, और वो कोचिंग स्टार्ट होता है 5 बजे भोर से, तो मतलब सुबह उठेगी तो मतलब उसके बाद फिर ना 7:30 बजे छुट्टी होता है कोचिंग का, फिर 8 बजे का लगभग स्कूल होता है, तो उधर ही से मतलब उधर कोचिंग से पढ़ के फिर जाती है स्कूल, तो ऐसे खाली पेट रहता है ऐसा, मतलब चना रहेगा तो बस मम्मी मतलब भिगो के चाहे कच्चा चाहे उसे थोड़ा सा फ्राई करके लेते जाएगी टिफिन में ऐसा कुछ, इसीलिए लिया है क्योंकि आलू तो कोई खा ही नहीं सकता ना, ऊपर से आलू भी तो आलू भी महंगा है, कितने किलो में 22 रुपये किलो, और ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा और नाश्ते भी अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए ये जो इतने सारे पैसे हैं, मतलब इसमें से पैसे सनी 10 में गई है तो उसका एडमिशन फीस एंड 6 महीने का पूरा 6 महीने का पूरा फीस और एडमिशन फीस वो लगेगा इसमें से जाएगा, और बाकी जो बचेगा अपना 1,000 रुपये वो रखेंगे वीडियो के खर्चा के लिए, मतलब जो जाते हैं यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ वो 1,000 रुपये निकाल के रखेंगे खर्चे के लिए। घर वाले खुश तो हम भी खुश हो गए, सारा टेंशन खत्म हो गया, मतलब पापा का भी टेंशन खत्म हो गया, मम्मी का भी टेंशन खत्म हो गया, सबका टेंशन खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और पता है ये सब ना आप सबके वजह से हुआ है, सच्ची बता रहे हैं ये सब आप सबके वजह से ही हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके वजह से हमारे घर में राशन आया एंड सबके लिए मतलब खाने के लिए आया, तो आप सभी को थैंक यू सो मच, नहीं तो कहाँ पता कहाँ से हम लेके आते हैं, तो आप सबको थैंक यू सो मच। एंड आप सबके घर में भी बहुत सारा सामान भरा रहा है, मतलब हमेशा भरा रहा है, थैंक यू। थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सा रील शूट करेंगे, वीडियो शॉर्ट वीडियो, उसके बाद कहीं अपना सिलाई में लगेंगे, सिलाई वाला टाइम 2:30 से ऊपर हो रहा है। और देखिए सारा सिस्टम, नेकलेस इयरिंग यहाँ पड़ा है, ये बोट पंखा, और सिनी ने वीडियो बना के भाई साहब सो गई। हाल देखिए सलवार एंड सारा साड़ी मैंने लपेट दिया है, मम्मी का ब्लाउज है, मम्मी का साड़ी, इसे चेंज करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे लगा, टाइम हो रहा है 7:30, क्योंकि कपड़े चेंज करके फिर घर का काम सारा काम ख़त्म करके फिर चले गए थे मार्केट, क्योंकि ना एक चले क्या है 40 रुपये का मिला है, डैडी को इसी में कहाँ लगा, लेकिन ना बाल इतना ज़्यादा कि दिख नहीं रहा, इसी में तो खून निकला था सुबह पूरा एकदम लंबा, यहाँ तक नहीं यहाँ तक है कवर गल, दवाई खा ले डैडी, अरे ठीक नहीं खा लिए कखो रखो रात ठाक।
सजन एंड रोटी, आप सभी खाना खा लो। झूठो नमक कम हो, नमक बढ़ा के मुझे ले। मस्त खाना पीना हो गया। और आपको पता है हम जाने वाले हैं बनारस में, वो भी दुर्गा माता के मंदिर। मतलब लेकिन जब सिनी का छुट्टी होगा ना फिर जाएंगे, क्योंकि सिनी का पढ़ाई चल रहा है। आज का वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, ढेर सारे प्यार दीजिएगा। और आपसे मिलते हैं, तेरी मुस्कुराते रहिए जी, हमारे साथ चलते रहिए जी। राम राम।